हेलो, मेरा नाम सद्दाम है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है 21 दिन का जो है लॉकडाउन हुआ है, तो इस लॉकडाउन में जो है हम लोग के पास दो ऑप्शन है। या तो जो है लॉकडाउन इस कोरोना वायरस के बारे में बात करते रहें, इसके बारे में सोचते रहें, इसको लेकर परेशान होते रहें, बाहर जाके इसका चर्चा करते रहें, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सिर्फ ये एक टाइम वेस्ट और एक जो है सिर्फ जो है अपने माइंड को जो है फालतू की चीजों में उलझाने वाली ये जो है चीजें हैं। दूसरा ऑप्शन हम लोग का पास ये है कि बाहर तो हम लोग जा नहीं सकते, मगर जो है घर में ही रह के हम लोग जो है कुछ अपने आप को बेटर बनाने का, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, इन सब चीजों पे हम लोग जो है ध्यान दें। तो इसलिए जो है मैंने जो है फैसला किया है कि आज से जो है मैथ की क्लासेस जो है लूंगा। पहला तो बात ये है कि किस तरह जो है पढ़ना है, क्या सीख किसको सीखना कहते हैं, किसको समझना बोलते हैं, पहले उसको मैं आपको समझा दूं। एक है रटना, एक है सीखना। रटना किसको कहते हैं, मैं उस चीज को पहले एक्सप्लेन करता हूं। मैं जैसे बात करता हूं आप लोगों को, मान लो मैंगो, मैंने आपको बोला कि मैंगो जो है पीले कलर का होता है, मगर आपके माइंड में जो है अभी क्या होगा, मैंगो का कोई भी पिक्चर आया होगा, जो आपने मैंगो खाया होगा या जिस मैंगो के बारे में आप जानते होंगे, देखे होंगे, मगर जो है यही जो है कोई ऐसा वर्ड मैं बोलूं हुजू लाला खुनू लाला, तो इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी इमेज नहीं आएगा। मगर इस चीज को मैंने बोला और आपने इसको दिमाग में सिर्फ इस वर्ड को पकड़ लिया और इसको जो है आप बोल रहे हैं कि हमको समझ में आ गया, मुझको तो आपको समझ में नहीं आया, जब तक कि उसके बारे में आपके माइंड में पूरा पिक्चर जो है, इमेज जो है, फोटो जो है क्लियर ना हो। ओके, तो इसको कहते हैं समझना। तो ये वर्ड जो है मैं अभी जो आपसे बातें कर रहा हूं, ये वो एक वर्ड है। जैसे मैंगो, मैंगो एक वर्ड है, एक्चुअल मैंगो ये नहीं है, ये वर्ड है। वर्ड क्यों जरूरी है, आपसे बात करने के लिए। अगर जो है आपको मुझसे कुछ चाहिए, आपको मुझसे मैंगो एक लेना है, मांगना है, तो आपके कैसे मांगिएगा, गूंगा बन के जो इशारे में मांगिएगा, नहीं ना। आपको क्या करने पड़ेगा, वर्ड का यूज करने पड़ेगा मुझसे जो है मैंगो मांगने के लिए, कि एक मैंगो जो है हमको चाहिए, हमको दीजिए। ओके, तो वर्ड जो है जो मैं बोल रहा हूं, ये जो लैंग्वेज जो यूज कर रहा हूं, जो साउंड निकल रहा है मैंगो, ओके, एप्पल, तो ये सब जो है लैंग्वेज है, ये वर्ड है, वर्ड से बनता है लैंग्वेज। ओके, तो इन लैंग्वेज का वर्ड का सिर्फ यूज है कम्युनिकेट करने के लिए, ये वर्ड जो है एक्चुअल थिंग नहीं है। तो जो भी मैं वर्ड बोलूंगा उसको एक्चुअली या प्रैक्टिकली जो समझना है कि ये वर्ड जो है किसके बारे में बात हो रहा है, ये किस चीज के बारे में, प्रैक्टिकली जो है किस चीज के बारे में, अगर मैंगो का बात हो रहा है तो मैंगो कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खाने में कैसा होता है, इसको बोला जाता है समझना। चलिए जो है हम लोग जो है इस चीज पे आते हैं कि हम लोग को तो समझ में आ गया कि लैंग्वेज जो है और वर्ड जो है हम लोग को क्यों जरूरी है। ओके, तो अब हो गया कि जब हम लोग को बोल के जो आपको समझाना है तो समझ में आ गया, हम लोग को जो है साउंड का जरूरत है, जो साउंड में वर्ड जो है हम लोग को निकालते हैं, वर्ड साउंड में। ओके, मगर जो है आपको अगर जो है मुझको लिख के बताना है, आपको लिख के समझाना है, तो उसके लिए जो है उस साउंड का एक सिंबल होना जरूरी है, कि मुझको लिखना है, आपको बताना है कि ये जो है मुझको एक मैंगो चाहिए, तो आपको मुझको क्या करने पड़ेगा, आपको जो है लिख के बताने पड़ेगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले जो है लोगों ने क्या किया, सिंबल का यूज किया। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट जो है ए से लेके जेड तक का यूज हुआ है, उसी को लेके जो है सारा जो है वर्ड बना। जैसे ए, तो ए का साउंड आ रहा, तो ए का सिंबल दे दिया गया कि ये जो है ए का सिंबल है। ओके, बी, तो बी का जो है ये सिंबल हो गया। ओके, ये जो है सिंबल का यूज करके जो है हम लोग जो है लिख के बताते हैं कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, लिख के यहाँ पर जो है हम लोग डिनोट कर पाते हैं। ओके,
नेक्स्ट अब आते हैं, क्योंकि जो हम लोग मैथ्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ्स में जो है पहला जो है यूज होता है वो होता है नंबर। तो नंबर जो है किसको कहते हैं, पहला जो है हम लोग मतलब समझेंगे कि नंबर जो है हम लोग जो है किसको कहते हैं। तो नंबर जो होता है कि आपके पास जो है एक मैंगो है, आपके पास दो मैंगो है, आपके पास तीन मैंगो है, तो आपको जो है साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल दीजिएगा दो मैंगो है, साउंड तो आप बता दे रहे, बोल के तो बता दे रहे, मगर आपको लिख के बताना है, तो लिख के आप कैसे बताइएगा। तो उसके लिए जो है लोगों को जब प्रॉब्लम हुई कि लिख के बताना है, तो उन लोगों ने जो है कुछ सिंबल का यूज किया कि ये वन का सिंबल होगा, ये टू का सिंबल होगा, ये थ्री का सिंबल होगा, ये फोर का सिंबल होगा, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन का सिंबल होगा। के अगर मेरे पास जो है ये वन लिखे कि मेरे पास जो है वन मैंगो है, तो वन का मतलब हुआ एक पीस जो है मेरे पास जो है मैंगो है, इसका मतलब ये हुआ। अगर मैं सिंबल ये टू लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो है दो पीस जो है क्या है, मेरे पास जो है मैंगो है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो है अब आता है कि सिंबल तो मिल गया कि ये सब सिंबल है। ओके, तो सिस्टम जो है नंबर तो समझ में आ गया कि किसी भी मेरे पास कितना क्वांटिटी है उसको बताने के लिए नंबर को यूज किया जाता है, जो सिंबल के जरिए जो है हम लोग लिख के बताते हैं। अब आता है कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं कि एक तरीका जिसको सारे लोग फॉलो करें उसको कहा जाता है सिस्टम। जैसे आप बीटी रोड पे जाते हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट आता है, तो ट्रैफिक लाइट में ग्रीन कलर का, येलो कलर का और रेड कलर का जो है लाइट होता है। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है जाना है, येलो का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है आस्ते चलाना है, रेड का मतलब क्या हुआ आपको रुक जाना है। ये सिस्टम है, ये एक के लिए, ये सबके लिए, सबके लिए है ये सिस्टम। तो उसी तरह जो है अब नंबर को किस तरह जो है हम लोग जो लिखेंगे, किस तरह यूज करेंगे, इसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है, उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो ये जो है नंबर जो हो गया। अब बात आता है नेचुरल नंबर जो है किसको कहते हैं। पहले जो है मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में बता दूं कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब होता है जो एज इट इज जो है हमको नजर आता है उसको कहते हैं नेचुरल, जो नेचर ने बनाया है, जो हम लोगों को नजर आता है, ठीक है। तो किसी के पास जो है मैंगो है, तो आपका जो है नेचुरली जो है क्या थॉट आएगा कि उसके पास जो है अपना जो है मैंगो है, या जो है वो मैंगो कहीं से चुरा के लाया है, या किसी से उधार लेके आया है। तो हम लोग के दिमाग में पहला यही थॉट आएगा कि जनरल जो हम लोग का सेंस जो आएगा वो आएगा कि इसका जो है अपना जो है ये मैंगो है। ओके, तो यहाँ पर जब लोगों के पास जब एक मैंगो था, तो उन लोगों ने बोला ठीक है कि हम लोग जो है वन का यूज करेंगे। जब दो मैंगो होगा तो बोले ठीक है दो का यूज करेंगे। जब तीन मैंगो होगा तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। जब हम लोग पास चार मैंगो होगा तो इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर हम लोग के पास पांच मैंगो होगा तो इस सिंबल का यूज करेंगे। इसी तरह करते करते हम लोग जो है नाइन तक गए। मगर लोगों के जहन में अभी जो है एक कन्फ्यूजन था कि मेरे पास एक मैंगो है तब तक तो ठीक है, तब दो लोगों के बीचों बीच में एक के पास जो एक मैंगो था, एक के पास कुछ नहीं था। तब बात यह हुआ कि मेरे पास एक मैंगो है तो हम जो है इस सिंबल का यूज करेंगे, इस वन का जो है हम लोग सिंबल का यूज करेंगे। मगर इस बंदे के पास, इस पर्सन के पास एक भी मैंगो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इसके लिए कौन सा नंबर हम लोग बोलेंगे। तब जाके जो है एक जो है नंबर का जो है एक जो है नंबर का भी कमी हो रहा था, तब जाके जो है एक सेंस आया होल नंबर का, होल नंबर का सेंस आया। ये होल नंबर में क्या हुआ कि अभी भी जो है एक जो है कि किसी के पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो उसके लिए जीरो यूज करेंगे। तो जब जीरो आ गया तो ये जो जीरो से लेके वन टू थ्री, ये सब तो पहले था, सिर्फ जीरो नहीं था, तो जीरो ऐड हो गया। तो अब इसको बोला गया कि अब होल हो गया, मेरे पास जो है सबके लिए हो गया, जिसके पास है उसके लिए भी मिल गया, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी मिल गया। तब तो यहां तक जो है नाइन तक जो है सिंबल जो है बन गया, जीरो से लेके नाइन तक जो है सिंबल बन गया। ओके, यहां तक सिंबल बन गया, यहां तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं था।
अब बात हुआ कि अगर जो है हम लोग जो है 10 का भी कोई सिंबल यूज करेंगे, 11 का भी कोई सिंबल यूज करेंगे, तो इस तरह जो है नंबर तो बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, मेरे पास मैंगो का तादाद बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, तो इस तरह सिंबल का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, तो हम लोग का माइंड का वो कैपेसिटी नहीं है कि इतने सिंबल को यूज कर पाए। तो लोगों ने बोला कि काम करते हैं 0 से लेके जो है ये जो 9 तक है इसी को हम लोग जो है यूज करेंगे, इसी को बोला जाता है डिजिट। ये पूरे जो है 0 से लेके 9 तक को क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है इसको। इसको जो है 0 से लेके 9 तक, जो 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक, इसको हम लोग कहते हैं डिजिट। ओके, अब इसी डिजिट को लेके, क्योंकि सिंबल जो है हम लोग का माइंड इतना जो है सिंबल को याद नहीं रख सकता है, इतने सिंबल में मेरा हम लोग का माइंड जो है कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है पिक्चर में सोचता है। अगर जैसे ही आपको बोलेंगे 2 तो 2 का आपका माइंड में पिक्चर आएगा, 2 का सिंबल आएगा। आपको अगर मैं बोलूंगा कि 3 2 कितना होता है, ठीक है, तो आपका माइंड में 6 का सिंबल आएगा। तो उतना पिक्चर को, उस सिंबल को जो है, छोटा छोटा सिंबल को याद कर पाना माइंड को जो है नहीं रख पाएगा, माइंड को जो है क्या होगा उस चीज को भूलने लगेगा। तो इसके लिए जो ये जो सिस्टम निकाला गया कि इसी डिजिट को हम लोग जो यूज करके अब क्या करेंगे, हम लोग जो है नंबर को जो है बनाएंगे और नंबर को हम लोग जो है यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? ओके, तो 0 से लेके 9 तक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये हम लोग का डिजिट मिल गया। अब इसी को यूज करके हम लोग को क्या करना है, नंबर को बनाना है। तो अब बोला गया कि 9 तक तो ठीक है, 9 मेरे पास क्वांटिटी है तब तो ये यूज करेंगे। अगर मेरे पास 10 जो है मैंगो है, 10 क्वांटिटी है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये एक डिजिट बढ़ा देंगे, 1 दे देंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे, यहाँ पर जो है 0 देंगे, यहाँ पर जो है एक डिजिट को बढ़ा देंगे, एक डिजिट को यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे, 0 रहेगा और एक डिजिट को यहाँ पर, 2 डिजिट यहाँ पर होगा, यहाँ पर सब क्या था, सिंगल डिजिट था, अब क्या होगा 10 में जो है डबल डिजिट हो जाएगा, यानी जो है जो सिंगल पीस वाला है वो 0 हो गया और ये जो है पूरा टोटल 10 जो है पूरा इतना हो गया, पूरा 10। ओके, अब जो है जैसे जो 11, तो अब जैसे जो है 10 है, 10 है तो हमने दे दिया 1 0 10 हो गया। ओके, अब जो है 11 हो गया तो 10 का प्लेस पे तो 1 ही रहा, 10 टोटल कितना रहा, 1 ही रहा, और एक जो है जो यहाँ पर जो है क्वांटिटी जो है वो 10 था और जो यहाँ पर 0 था, तो अब 1 और दे दिए तो 11, यानी 10 और एक 1 11 हो गया। उसी तरह जो 2 दे दिए तो क्या हो गया, 10 तो रहा 1 और 2 जो है क्वांटिटी और बढ़ गया, तो 1 2 12। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वंस का प्लेस। वंस का प्लेस मतलब यहाँ से लेके 0 से लेके 9 तक सिर्फ रहेगा और ये हो गया 10 का प्लेस, यानी जो है कितना 10 हुआ है। तो इसी तरह करते करते जब 19 आएगा तो 19 के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर 19 में जब एक 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो 20 हो गया। 20 मतलब क्या हुआ, पहले से एक 10 था, यहाँ पर 9 में और एक दिए तो 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10, तो टोटल कितना हो गया, 210 हो गया। और क्वांटिटी जो है सिंगल डिजिट का क्वांटिटी क्या हो गया, यहाँ पर 0 रह गया, तो इसी तरह ये क्या बन गया, 21। फिर इस पे एक 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 तो रहा 2 ही रहा और वो एक जो है 1 का प्लेस में एक 20 जो है हम लोग का बन गया। ओके, तो इसी तरह करते 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 सारा नंबर जो बनता है, करते करते 99 तक पहुंचता है। 99 तक जब ये पहुंचता है तो फिर जो है हो गया कि अब यहाँ पर जो है, अब जो है 9 जो है 10 हो गया और जो है 9 जो है पीस हो गया, और जैसे ही उसमें 1 देंगे तो ये 10 हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, तो 10 का तो सिंबल है नहीं, तो फिर इसके लिए क्या बोला गया कि फिर एक डिजिट को हम लोग बढ़ा देंगे, ये हो गया 100 का प्लेस, यानी टोटल 100 कितना हो गया, 1, और 10 भी क्या हो गया, 0 हो गया, और 1 भी कितना है, अभी भी 0 है, और 100 पे कितना है हम लोग का, 1 आ गया। फिर अगर 1 देंगे तो क्या होगा, 100 तो 1 रहा, 10 अभी हुआ नहीं है और 1 का प्लेस पे सिर्फ 1 आ गया है। उसी तरह और एक 1 देंगे तो 100 तो सिर्फ 1 ही रहा, 10 0 हो गया और यहाँ पर 1 का प्लेस पे 2 हो गया। उसी तरह करते 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 करते
जब 109 हो जाएगा, फिर इसमें जब 1 देंगे तो ये तो 100 तो अभी नहीं हुआ, 100 तो सिर्फ 100 तो 1 ही रहा, और ये 9 में जब 1 देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 110 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो इसी तरह करके जो है सारा नंबर जो इस तरह जो है फॉर्म हुआ है, नंबर सिस्टम में इसी तरह सारे नंबर को फॉर्म किया जाता है, सारे नंबर को जो है इसी तरह जो है बनाया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर सिस्टम जो है आप लोग को जो है समझ में आया होगा कि किस तरह जो है नंबर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह करते 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 हम लोग जो है 99 जाएंगे, 99 जैसे जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तो फिर डिजिट भर के हम लोग का क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये 1000 का प्लेस हो जाएगा, 100 में 0 हो जाएगा, 10 में 0 हो जाएगा, 1 में 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर करते करते पूरा जो है आगे जो है ये बढ़ते जाएगा। ओके ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। ओके, तो इन सब सारी चीज़ों को समझना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ जो है समझ में आए, क्योंकि जो है मैक्सिमम जो है हम लोग को जो रटवाया जाता है सिर्फ वर्ड और सिंबल में हम लोग को फंसा दिया जाता है, एक्चुअल में उसका जो है ओरिजिन क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ हम लोग को जो है नहीं समझाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बच्चे जाके जो है फंस जाते हैं, और उनके जो है माइंड क्योंकि जो है पिक्चर में सोचता है और उन लोग का वर्ड और सिंबल जो है माइंड जो है याद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, बच्चों के जो है माइंड में जो है होता है दर्द होने लगता है और टॉर्चर जो है फेस करने का। ठीक है, अगर जो है जैसे मैं बताने चाहूँ कि अगर जो आपको एक हिंदी मूवी में बैठाऊंगा तो आपको क्या होगा, हिंदी मूवी देखने में आपको क्या होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा, जैसे बाहुबली बैठा दिया देखने के लिए आपको मजा आएगा, मगर वही जो एक चाइनीज मूवी बैठा दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, मगर हिंदी लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है। तो जो चीज समझ में आता है वो बच्चों को हर लोगों को जो है समझ अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, जो चीज समझ में नहीं आता है वो सारी चीजें हम लोग को बोरिंग लगती है, हम लोग नहीं चाहते उन चीजों को। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।